एक लड़की पे पड़ा था, वो निकल के जा रही थी, मैंने अपनी नाक आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरी एक आंख मुझे अल्लाह के सामने जलील न कर दे उसके रसूल के सामने। कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू, एक आंख से उसकी आंसू गिरते थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे, और वो कहता था क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा। ओ मेरे भाइयों, ओ अपने मोबाइलों पर गंदी तस्वीरें देख देख करके अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, मेरे आका फरमाते हाथ भी जिना करते हैं, आंखें भी जिना करती हैं, और ये जबान भी जिना करती है। किसी गैर औरत से, लड़की से फोन पर बात करना ये आंख का जिना, ये हाथ ये जबान का जिना है, कानों से उसकी आवाज सुनना ये कानों का जिना है, ये शरीयत है, ये किसी की पाबंद नहीं, ना किसी दुनिया के इंसान की। जो इसका पाबंद है दुनिया उसकी पाबंद है, और जो इसका पाबंद नहीं है वो जलील और ख्वार है, चाहे वो कोई हो, किसी भी दर्जे का हो। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मेरी आंखें मुझे बर्बाद कर दे कयामत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद। फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करें सारा मजमा। दुरूद, ये बड़ी बाबरकत महफिल इस वजह से है कि इसका ताल्लुक अल्लाह के रसूल से है। निस्बत से चीज़ बुलंद और अजीम हो जाती है। आपको क्या लगता है कि हुजूर के महफिल में आप खुद आ गए हैं? नहीं नहीं, हुजूर ने आपको बुलाया है, आप तब आए हैं। हुजूर की महफिल भी लाजवाब है, हुजूर का जिक्र लाजवाब है, हुजूर का नाम लाजवाब है। आज तक कोई माँ का बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हुजूर की तारीफ, हुजूर की तारीफ हुजूर के शान के मुताबिक कर सका हो। जिसे अल्लाह ने दोनों आलम की रहमत कहा हो, तो अभी तो लोगों को अपनी दुनिया के बारे में भी ठीक से इल्म नहीं है, ये कितनी बड़ी है, कितने तूल अर्ज़ में है। लोग कहते हैं कि फला साहब ने हुजूर को बढ़ाया, अरे हुजूर को तो अल्लाह ने बढ़ाया है। अभी तो दुनिया में पढ़ लिखिए, बेसिक चीज़ों पर गौर कीजिए, इख्तलाफ में मत पड़िए। अल्लाह ने अक्ल दी है तो ये देखिए कि ये आलमीन किसको कहते हैं, ये सात ज़मीनें और सात आसमान, इनके दरमियान जितनी गैलेक्सियां हैं ये सब आलमीन में आती हैं। अल्लाह का हर जगह हुक्म उतरता है, अल्लाह सब जगह का रब है। अब आप बताइए, अभी तो नासा हर दिसंबर में अपडेट देता है कि चांद के बारे में हमारी मालूमात ठीक नहीं थी, वो इतना बड़ा है, और वो सूरज के बारे में भी अपडेट देते हैं कि हमने जितना बताया था वो उतना नहीं है। ये सिर्फ ये एक आलम है। अर्ज़ की गई, हुजूर अल्लाह के बनाए हुए आलमीन में ये दुनिया कितनी बड़ी है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं ये इतनी बड़ी है जितनी जंगल में गिरी हुई अंगूठी। उस पूरे आलमीन में जो उसने बनाया है, ये स्पेस, सात जमीनें ऊपर सात आसमान नीचे, सात जमीनें नीचे सात आसमान ऊपर। और लोग कहते हैं हुजूर को हमने बढ़ाया, हमने तो नहीं बनाया ना। रहमतुल्लिल आलमीन किसने कहा? अल्लाह ने कहा।
अब जहां का रब रब्बुल आलमीन है वहां के हुजूर रहमतुल आलमीन है। हुजूर को हुजूर के रब ने बढ़ाया है, इसी वजह से घटाने वाले खत्म हो गए, मगर रब का महबूब आज तक बढ़ा जा रहा है। आप देखो तो जरा, सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं कि हुजूर ने मुझको 19 खजूरें दे दी और मैंने अपनी झोली में डाल ली हुजूर के करम से। कहते मैं खाता रहा, मेरी जिंदगी में हुजूर ने पर्दा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, मैं उसमें से निकाल के खाता रहा 19 खजूरें। बंदा अगर एक रोज खाए 19 दिन में ख़त्म, और अगर वो एक दूसरे से शेयर कर ले तो फिर तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगी। मगर बिलाल खुद भी खाते थे और मेहमानों को भी खिलाते थे, मगर वो खजूरें ख़त्म नहीं होती थी। बिलाल की वो खजूरें 17 साल चली। बिलाल से किसी ने पूछा कितनी खजूरें हैं यार, खत्म ही नहीं होती। बिलाल ने कहा खजूरें ना देखो, वो हाथ देखो जिसने ये खजूरें दी हैं, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दी। आप हुजूर से उम्मती बनने की बात करते हो और हुजूर के अंदर आप कमियां निकालते हो, माशाल्लाह। आपको हुजूर के बारे में ये बातें करते हो आप, शर्म नहीं आती आपको? यार जो जिससे मोहब्बत करे उसकी तो हर बात उसको अच्छी लगती है, और हुजूर को कोई क्या कह सकता है यार, कोई क्या बयान कर सकता है। यही है कि हुजूर को अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया कि आप तो अपनी बात कहते हैं फलां के हुजूर को, अरे आप ये कहोगे ना मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है, हमने इस बात को मानना आना नहीं है, क्योंकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी खूबसूरत मानते हैं, बड़ा मानते हैं, मगर हम ये नहीं मानेंगे हुजूर उनकी तरह है, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा ना। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अब किसी के मोहताज ना हो। देखो 12 बज गए, एक घंटा मेरी तकरीर होती है, आप बैठे, जिनको मरना हो वो तकरीर मेरी बैठ के सुने, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है, मतलब जिनको याद हो उनको मरना है, बाकी जो मौत को भूल गया उसे मेरी तकरीर से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे गौसुल आजम फरमाते थे मेरे बयान में वही लोग बैठा करें जिनको लगता है कि उनको मरना है। फरमाते हैं बाकी अब्दुल कादिर की तकरीर में उस आदमी के लिए कुछ नहीं है जो अपनी मौत को भूल चुका हो। तो ये बड़ा अच्छा मजमा है, इन्होंने भाईजान ने हमारे वारसी साहब ने जो मेरी तारीफ की, ये इनकी अपनी मोहब्बत है, मुझको तो ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, तो इनकी तारीफ जो भी है अल्लाह ताला इनकी तारीफ के लायक मुझे बनाए, मेरी कोई हैसियत नहीं। बंदा तो बड़ा परेशान है अपनी आखिरत को लेके, बस यही है कि जब वो गफ्फार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो फिर भी डर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, कि अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियों से ईमान पर मौत अता फरमाए। अब आपको मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको मेरी तारीफ नहीं करनी, अपने रब की करनी है, ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों की हड्डियों में दर्द रहता हो, बीमारियाँ ज़्यादा रहती हों, उनके लिए बता रहा हूँ, या सलामो 100 बार रोज़ पढ़ा करो। ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है जो मुसलमान है और उसको नहीं पढ़ता, उस पर बड़ी हैरत है। कम से कम या सलामो 100 बार, कम से कम 1000 बार पढ़ लें। अपनी ज़िंदगी में कुछ वजीफ़े ऐड करें जिनके साथ आपका ताल्लुक हो जाए, ये आपके बुजुर्गों का तरीका रहा है। अल्लाह को आप सलाम कहेंगे उस पर कोई फ़र्क, वो तो सलामती करने वाला। रहीम कहेंगे उस पर कोई फर्क, करीम कहेंगे उस पर कोई फर्क, मगर हुजूर फरमाते हैं उस पर तो कोई फर्क नहीं, मगर जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। जो उसको करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम अपना उतार देता है, रहीम जो कहता है उसके दिल में रहमत उतार देता है, और जो उसको सलाम कहता है अल्लाह उसे सलामती अता कर देता है। देखो आसानियां दो तो अल्लाह आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा करेगा। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। इंसान को अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, ये एक सवाल है जिसे हम भूल चुके हैं। इधर देखें, तवज्जो करें, इंसान ये क्यों पैदा किया अल्लाह ने इंसान को, सवाल है ये। दुनिया का वो सवाल है कि जिसके जवाब में विलायत छुपी हुई है। यानी इंसान अगर ये समझ ले ना कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है,
जिसको अपनी जिंदगी समझ नहीं आई, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाबिये जो के आम थे मुझे खा गए। मैं अमीर था पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महबे कलाम हैं मुझे खा गए। वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे रास थीं, ये जो जहर कुंद सलाम है मुझे खा गए। इंसान कभी अपनी नज़र से अपने आप को देखे, ये उसका दूसरा बॉर्न है, ये उसकी दूसरी पैदाइश है। इसके बारे में इमाम मालिक ने मदीने शरीफ में फरमाया था, इंसान एक बार पैदा नहीं होता, इंसान दो बारी पैदा होता है। एक बार अपनी मां के पेट से पैदा होता है, ये उसकी पहली पैदाइश है, और एक बार जब वो ये समझ ले कि अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है तो ये उसकी दूसरी पैदाइश है। यानी एक बार जब वो पैदा होता है तो मक्के में उसका नाम उमर होता है, और जब वो दूसरी मर्तबा पैदा होता है तो वो फारूक आजम बन जाता है, वो अल्लाह को पहचान ले। यानी इंसान अपने ऊपर डिस्कवर नहीं करता। सबसे बड़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसने अपनी जात में गौर व फिक्र किया वो कामयाब हो गया, फला पा गया वो शख्स जिसने खुद के बारे में सोचा। और दूसरों के बारे में जो लोग सोचते रहे उनकी अपनी जातें कभी ठीक। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, ये आपसे गौर करने का मकाम है। बंदा एक सो रहा है, ये जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को यूं ही पैदा नहीं किया, जमीन आसमान की पैदाइश को इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी बनाई, और इंसान की जो पैदाइश की वो इस वजह से कि ये जो मौत जिंदगी है ये यूं ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी आजमाइश है, आजमाइश। यानी आप सो रहे हैं और सोते सोते अचानक फजर की अजान हुई, आपके ईमान ने कहा उठो चलो नमाज पढ़ते हैं, मगर आपका नफ्स कह रहा है नहीं नहीं सो जाओ, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, थोड़ी नींद का गलबा है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा सो जाओ। फिर आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, नाम सुना है आपने, कोई आम आदमी तो नहीं? बाबा फरीदुद्दीन हजरत उमर फारूक आजम की नस्ल का वो एक बेटा जिसपे उमर फारूक आजम फख्र फरमाते हैं, हजरत सईदना फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रदियल्लाहु तआला अन्हो, इतना बड़ा आशिक रसूल कि वो खाना खाते थे तोल के खाना खाते थे, यानी उनके पास एक तराजू था उसमें तोल के खाना खाते थे। किसी ने पूछा निजामुद्दीन औलिया ने, हुजूर लोग हमसे सवाल करते हैं आपके पीर साहब ये तोल के खाना क्यों खाते हैं, तो सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहने लगे मैं सारी बातें तुमको बताऊं, कुछ मेरे और मेरे रब के दरमियान भी राज रहने दो। कहा नहीं नहीं हुजूर, लोग पूछते हैं अल्लाह बेहिसाब देता है, आपके पीर हिसाब से खाना क्यों खाते हैं? कहने लगे अल्लाह तो बेहिसाब देता है मगर मेरी मोहब्बत मेरा इश्क मुझसे हिसाब मांगता है। कहा क्या मतलब? कहा हुजूर ने जितना खाना खाया है मैंने सरकार की जिंदगी के खाने का अंदाजा कर लिया है, तो मैं तोल के इस वजह से खाना खाता हूं कि मैं अपने नबी से खाना ज्यादा नहीं खाना चाहता। ऐसे पतले दुबले थे बाबा फरीद, मगर उनका हाल यह था जो उन्हें देख लेता था वो चेहरा देखते ही मुसलमान हो जाया करता था। शाह नक्शबंद बुखारी ने फरमाया कि जिसकी खामोशी तबलीग नहीं करती उसकी तकरीर से भी तबलीग नहीं होगी। तबलीग जात से होती है। फरीदुद्दीन गंजे शकर यूसुफ चिश्ती रदी अल्लाह तआला के मजार पे गए, उनके सज्जादा के साथ बैठे थे, एक आदमी आके कहने लगा हुजूर रात मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? का ख्वाब ये देखा कि मैं मर गया हूं, लोग मेरे आसपास रो रहे हैं, अजीब किस्म की शोर है, और मैं जब उठाऊं मुझे डिप्रेशन है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, इस ख्वाब की ताबीर। तो जो वहां के सज्जादा थे बोले मुझे तो भाई इसकी समझ नहीं आ रही ताबीर। तो सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा इजाजत दे आप तो मैं बताऊं, तो उन्होंने खुशी इजाजत दे दी। फरीदुद्दीन गंजे शकर बाबा फरीद ने फरमाया कि मुझे ऐसा तो तुम ये बताओ ये जो तुम्हारा अब है इसकी ताबीर यह है कि तुम्हारी फजर की नमाज कजा हो गई थी। कहां हो गई थी? कहा तुम जब उठे थे जब तक सूरज निकल चुका था। कहां? कहा उसके बाद तुमने कोई ज्यादा अफसोस भी तुमको नहीं हुआ? कटी का फिर बात यह है कि तेरा दिल मुर्दा हो चुका है, और वो जो जनाजा तेरे दरवाजे में घर में पड़ा था वो तेरा नहीं था, तेरे दिल का जनाजा था, और वो जो तुझ पर रो रहे थे तेरे घर वाले नहीं थे, तेरी रूह थी जो तेरे दिल पर मातम कर रही थी। बंदा जब एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो उसका दिल मर जाता।
यानी इंसान उठा, मेरे साथ उसने ये कर दिया, हमारे साथ हम खुद अपने दुश्मन हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अमल हमारे दुश्मन हैं। सुनो, उससे कह रहा है उसका नफ्स सो जा, मगर ईमान ने उसके ब्लैंकेट को फेंक दिया और वो मस्जिद में चला गया, वजू किया, नमाज पढ़ा। जैसे ही उसका सर सजदे में गया, अल्लाह की रहमतों ने आवाज़ दी, फलां मोहल्ले में फलां का बेटा आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया। उसने अपनी नींद को जलील करके अपने रब के सामने सो गया, उसने अपने नफ्स को जलील कर दिया। उसके बाद तवज्जो करें, जरा गौर करें और गौर करें, उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चा, वो लड़का आया और आने के बाद फजर की नमाज के बाद घर से बाहर निकलता था, एक लड़की सामने नजर आ गई। उस लड़की को जैसे ही देखा वैसे ही उसके ऊपर उसकी निगाहों में वो लड़की बसी, मगर उसने अपनी निगाहों को नीचे कर लिया, क्योंकि पहली नजर माफ है और पहली नजर में कोई फितना भी नहीं उठता, दूसरी नजर बर्बाद करती है। लड़कियों को ना देखो, किसी गंदी वीडियो को ना देखो। हजरत सैयदना शेख सरहिंदी मुजद्दल फिसानी रजी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जो है जिना आंखों इसकी करीब लेके जाती है, जिना के यानी आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। और ये नौजवान क्या समझता है, ये आंखें तेरी है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आंखें तेरी नहीं है। और अपनी आंखें गंदी करने वाले हकीमों की दुकान पे जाके देख, जिनकी शादियां हो गई नौजवान लड़कों की, उनके ऊपर बर्बादी और अल्लाह की ऐसी लानतें गिरी हैं कि वो अपनी बीवियों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ऐ मेरे दोस्त, अपनी जवानी को बर्बाद न कर, मेरे भाई अपनी जवानी की हिफाजत कर। ऐ मेरे नौजवान, तू किसी लड़की से इश्क करने के लिए दुनिया में नहीं आया, अपने आप को संभल, बर्बाद होने से अपने आप को बचा। मेरे नौजवान, देख अपनी निगाहों की हिफाजत कर, ये आंखें तेरी नहीं है, ये तेरे रब की अमानत है तेरे पास। अगर ये कयामत के दिन तेरे खिलाफ बोल गई, और यूट्यूब के गंदी तस्वीरें देखने वाले, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, ये आंखें अगर तेरे खिलाफ बोली और कयामत के दिन इन्होंने कह दिया, मालिक ये तो तेरी मेरी तूने इसको मेरी इसकी आंखें अमानत बना के भेजी थी ताकि ये काबा देखे, तेरे महबूब का रोजा देखे, तेरा जलवा देखे, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी टीवियां दिखवाई, औरतों को बुरी नजर से दिखवाया। बता उस वक्त में कितनी शर्मिंदगी होगी कि तू अपने करीम और अजीम रब के सामने निगाहें झुका के खड़ा होगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ बोल रही होंगी, उस वक्त में क्या होगा। सिहाबी रसूल है, उनका नाम है उतबा बिन गजवान। मैंने उनके मजार पे हाजिरी की, ये बसरा में उनका मजार है। वो तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार को आंख में मार के आंख का गुल्ला नीचे रख दिया। ये सिहाबी का ईमान, और अपना ईमान चेक कीजिए, मैं अपना करूंगा, आप अपना कीजिएगा, ताकि हम आज अपना चेकअप कर लें, हम कितने मुसलमान हैं, कितने अपने रब से डरते हैं अल्लाह, कितने उसके सामने सजदा करते हैं। मेरे एक ताया की आंखें बनी थी, आंखें उनकी आंखें बनी तो डॉक्टर ने कहा, अब हकीम साहब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो हकीम थे, तो उन्हें 3 दिन तक कहा कि सजदा नहीं करेंगे आप, तो उन्होंने 3 दिन तक सजदा भी नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। हम सब कहते थे खाना खाइए, मगर वो कहते थे नहीं। किसी ने कहा कि हकीम साहब नमाज के लिए तो मना किया है, खाने के लिए थोड़ा मना किया। रोने लगे, कहने लगे जिस रब के सामने सजदा नहीं करता उसकी नेमतें खाने में शर्म आती है, कैसे उसका खाना खाऊं जिसके सामने। ऐसे भी लोग गुजरे हैं, ये बहुत दिनों की बात तो नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे वो बुजुर्ग गुजरे हैं। आज हम उनकी कितनी खराब औलादे हैं कि हमारे सर अल्लाह के सामने नहीं झुकते, हर किसी के सामने झुकते हैं। ओ मेरे दोस्त, उस सिहाबी है, एक सिहाबी का ईमान है, एक तेरा ईमान है। एक सिहाबी ने अपनी आंख निकाल के नीचे फेंक दी तो उसका गुल्ला नीचे गिरा, शोर मच गया, पागल हो गया उतबा। हम करीब गए, अबू मूसा अशअरी हुजूर जिसके कुरान को पसंद करते थे, वो सिहाबी, वो कहते मैंने उनसे पूछा ये तुमने क्या किया है, लोग तुमको पागल कह रहे हैं। वो लगा लोगों के लिए नहीं किया, अल्लाह के खौफ से। मेरे नबी फरमाते जब बदनिगाही कोई करता है तो उसकी आंख में अल्लाह आग की सलाखें डालेगा। मैं तो एक तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता तो सलाख को कैसे बर्दाश्त करूंगा, आंख में मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा सरिया और आंख में। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरा ये एक गुल्ला एक लड़की पे पड़ा था वो निकल के जा रही थी, मैंने अपनी नाक आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरी एक आंख मुझे अल्लाह के सामने जलील न कर दे उसके रसूल के सामने। कहते उसकी एक आंख से आंसू, एक आंख से उसकी आंसू गिरते थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे, और वो कहता था क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा।
ओ मेरे भाइयों, ओ अपने मोबाइलों पे गंदी तस्वीरें देख देख करके अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों, मेरे आका फरमाते हाथ भी जिना करते हैं, आंखें भी जिना करती हैं, और ये जबान भी जिना करती है। किसी गैर औरत से, लड़की से फोन पर बात करना, ये आंख का जिना, ये हाथ ये जबान का जिना है, कानों से उसकी आवाज सुनना ये कानों का जिना है, ये शरीयत है, ये किसी की पाबंद नहीं, न किसी दुनिया के इंसान की। जो इसका पाबंद है दुनिया उसकी पाबंद है, और जो इसका पाबंद नहीं है वो जलील और ख्वार है, चाहे वो कोई हो, किसी भी दर्जे का हो। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मेरी आंखें मुझे बर्बाद कर दे कयामत। मेरी और आपकी बदनिगाहियां, इधर देखो, मैं कोई मुनाफिक नहीं हूं, मुसलमान हूं। मुझे डर लगता है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, नाम सुना है? कितनी बार सुनते हो? लो आज इनकी ये बात भी सुन लो। इंतकाल होने वाला है, उनका चेहरा कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी कांपने लगते हैं। किसी ने कहते बड़े सियाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से नहीं। कहा फिर? कहा मेरे नबी का फरमान है कि मरने से पहले बंदे को पता चल जाता है वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब के सामने ये अर्ज कर रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा ही गुनहगार है, उसे बख्श दे, मौत का वक्त है, अगर आज तूने न बख्शा तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा मालिक। इसी वजह से वो रो रहे थे। ये सिहाबी नौजवान, ए भाई, ए भाई कहां जा रहे हो? बैठो एक मिनट। बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में तकरीर करना, बहुत मुश्किल है आज के जमाने में तकरीर करना। वालेकुम सलाम, तकरीर कर रहा हूं मैं सुहेल भाई, इधर माइक पर हूं। तवज्जो है कि नहीं? जरूरी कॉल था, जरा तो जो है आपकी नहीं मेरी तरफ। सिहाबी की जिंदगी एक हमारी जिंदगी। हम कहते हैं हम बड़े बड़े लोग बने बने, हमने देखा पीरों ने अपने अपने मुरीदों को बिल्कुल आजाद कर दिया, जाओ मैं हूं तो जन्नती बनाने वाला था। तौबा तौबा अस्तगफरुल्लाह माज़ल्लाह, इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं हो सकता दुनिया का, इससे बड़ा फ्रॉड होगा कोई? कहां चले भाई, कहां चले? ये तकलीफ की बात है, जलसा कराया करो, बैठा करो, एक आदमी जा सकता है। आप लोगों में जिन्हें जाना आना हो चले जाओ, फिर उसके बाद आप कहो तो मैं बोलूंगा, खत्म कर दूं, बताओ। थोड़ी देर और बोलूं, पांच दस मिनट? अच्छा ठीक है। असल में लोग उठने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी बातें ठीक नहीं हो रही हैं, लोग समझ में नहीं आ रही, ऐसा लगता है। आपको कैसा लग रहा है? मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं? दिल लग रहा आप लोगों को? पीछे वाले नौजवानों का दिल लग रहा। तो आज के बाद इस जिंदगी को बदलेंगे इंशाल्लाह। रिदम टूट जाता है बीच में, जब बीच में बात रुकती है तो रिदम टूट जाता है। रिदम जो मैं बात कर रहा था, मेरा जो एकाग्रता है वो भंग हो जाती है, मेरा जो एक तरीके से जो स्ट्रीम जो बनी हुई होती है वो बंद हो जाती है। अब मैं अपनी बात को कर रहा हूँ कि एक सिहाबी की जिंदगी, एक आपकी जिंदगी, एक नौजवानों ने अपनी जिंदगी कैसी बनाई। ऐ मेरे भाइयों को मौत की फिक्र नहीं, याद रखना मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद नहीं करता उसकी मौत उसे बड़ा जलील करती है। मौत याद करोगे फिर भी आएगी, नहीं करोगे मगर जब याद करोगे तो ये आसानी से आएगी। मौत को याद करो, नहीं याद आती? दोनों जो हजरत उमर, उमर का नाम सुना है? मेरे हुजूर ने फरमाया उमर ईमान लाया तो फरिश्तों ने आसमान में खुशियां मनाई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उमर, उमर कौन? जब मक्के में अजाने होने लगी तो कुफारे मक्का कहने लगे या तो उमर मर गया या उमर ईमान ला चुका है, चूंकि उमर के होते हुए ये अजानों की आवाज नहीं आ सकती, उमर ईमान लाया है तभी ये अजाने बुलंद हुई है। उमर कौन? फारूक आजम, फर्क पैदा करने वाला। कौन उमर फारूक आजम मियां? मेरे नबी पाक का वो गुलाम जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत पे कर दी थी। वो उमर फारूक आजम की दाढ़ी का बाल जब सफेद हुआ तो रोते थे, कहते थे ये मुझे दाढ़ी का बाल मुझे मौत की खबरें देता है। आज तो लोग अपनी दाढ़ी के सफेद बालों को खूब रंगवाते हैं। ओ मेरे दोस्त, तू कैसे धोखे में पड़ गया? ये दुनिया तेरी कैसे होगी? ये बाल तेरे सफेद तुझे मौत की तरफ लेने आ रहे हैं, तू इनको काला करवा के और अपने आप को जुर्रत पैदा कर रहा है अपने अंदर। सुन, उमर फारूक आजम का इंतकाल
होने वाला है। कौन? उमर आदि दुनिया का बादशाह, कोई उमर की आम आदमी नहीं है। उमर उमर फारूक आजम है। कौन? उमर मियां, जिसने 10 साल की हुकूमत में 4000 मस्जिद तामीर करवाई, यानी उसने हर एक दिन में 3 मस्जिदें तामीर करवाता था। उसने 10 साल की हुकूमत में मियां 1000 शहर फतेह किए, यानी 3 दिन के अंदर 1 शहर फतेह करता था। वो उमर फारूक आजम मियां जिसकी शहादत की गवाही की बात तो देखो, जब किसी की शहादत की गवाही की बात आएगी तो करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही सुनो बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही की ओहद का मैदान देगा। मगर उमर अकेला ऐसा इंसान है जिसकी शहादत की गवाही मस्जिद नबी का मिंबर देगा, मेरे आका की दरो दीवार देंगे, मेरे नबी का मुसल्ला देगा। उमर फारूक आजम की बात कर रहा हूं। आज अगर किसी मौलाना साहब को डर लगना बंद हो गया है तो वह अपने ऊपर गौर करे क्यों लगना बंद हो गया है। अगर कोई मौलाना साहब पीर साहब उनको डर नहीं लगता अल्लाह से तो वो गौर करें उनकी हैसियत क्या है। मैं उमर फारूक आजम की बात करने लगा हूं। उमर फारूक आजम के जब मारी गया चाकू, जैसे ही चाकू मारा गया और आपका पेट फटा, आपका ने पानी पिया, आपने दूध पिया, वो आंतों के जरिए निकल गया, आपने कहा मेरी मौत करीब है। ए उमर, ए अब्दुल्ला, मेरा सर जमीन पर रख। अब्दुल्ला ने उमर ने कहा मेरे बेटे मेरा सर जमीन पर रख दे। जब सर जमीन पर रखा, उमर ने अपनी नाक अल्लाह के सामने रख दी और कहा ए अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो ये तेरी बारगाह का मोहताज है, मुजरिम है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर की मौत का वक्त है। उमर जब रोए तो सारे सहाबा रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली बोले यार उमर रोते क्यों है? मैंने नबी पाक को सुना है, नबी ने फरमाया कि उमर का महल जन्नत में है और वो गोल्डन कलर का, वो जो है वो मेरे उमर का महल सुनहरे कलर का बना हुआ है। ए उमर, तुम्हारा का तुम गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। ये तो सहाबाए कराम की जिंदगियां हैं और हमने तो मौत की फिक्र ही करना बंद कर दी। मेरे करीब में एक लड़का था, मैं उससे कहता था जरा तौबा कर ले, नहीं मानता था, मोटरसाइकिल तेज चलाता था। मेरे दोस्तों अपनी जवानी में ज्यादा बदहोश ना हुआ करो। कितने लड़के एक्सीडेंट वाले, उनको होश ही नहीं आया, कोमा में चले गए, सर ऐसा डैमेज हुआ, उनकी नसें ऐसी खराब हो गई, कोई ऐसा उन पे सख्त जो है किस्म का हो गया। वो लड़का जब एक्सीडेंट हुआ, वो जो मैं समझाता था, तो उसके घर में जब उसकी लाश आई, मैं उसके घर गया, मैं सही बताता हूं उसका चेहरा था ही नहीं। उसका वो चेहरा जिसे वो आईने में निहारता था, वो खूबसूरत चेहरा जिस पे उसको बड़ा नाज था, वो बालों को जो झटके मारता था, वो बाल वो चेहरा सब रोड पर पड़ा रह गया था उसकी सारा। अब उसका पूरा जिस्म नहीं था। उसकी माँ कहती थी मेरे लाडला ये नहीं है, उसका चेहरा तो दिखाओ मुझे, चेहरा तो था ही नहीं, चेहरा तो उसका था ही नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम उसका होके आया था। हाय कैसा पोस्टमार्टम, इसको याद रोज किया करो, आप याद किया करो। मैं भी सोचता हूं कि रोज पोस्टमार्टम हाउस पे चला जाऊं, कभी मैं देखूं कैसे कैसे गुरूर तकबर वालों की लाशें पड़ी हैं और उनको वक्त नहीं मिल रहा है। सुबह को चीरेंगे, सुबह को वो शराब पीने वाले चीरते हैं, ऊपर से डालते हैं और चीर देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है ना गसाल गुसल देने के लिए मुर्दे का, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, हाथ उठाने से तकलीफ होती है, तो बताओ जरा जब वो चीरते हैं तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। ये सफर में रहने वाले लोगों को कहना चाहिए ऐ अल्लाह मुझे मालिक उस वाली मौत से महफूज करना, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब। ऐसी मौत जो आपको जलील कर दे, ऐसी मौत, इस मौत से अल्लाह की पना चाहो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। ये तुमने इधर दिल लगा लिया, उधर दिल लगा लिया, नौजवानों अपना 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 मार्गदर्शन ठीक करो, अपनी रास्ता को सीधे कर लो, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। तुम सहाबाए कराम के मानने वाले हो, तुम मेरे नबी के आशिक हो, दुनियादारी के आशिक ना बनो। लड़कियों से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने तुमको दुनिया में नहीं भेजा है कि तुम लड़कियों को दिल दे बैठो और उसके बाद तुम्हारे दिल टूट जाए तो तुम इधर उधर भागो, तुम जो है वो अपने आप को एंजाइटी का शिकार हो जाओ, तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओ और तुम अपने आप को जो है वो हलाक कर लो, तुम अपने आप को बर्बाद कर लो। नहीं नहीं, अपनी समत ठीक करो। वो गालिब वाला इश्क तुमको नहीं करना है। गालिब ने कहा था
इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम थे। ये तुम्हारा इश्क नहीं है, तुम्हारा इश्क दूसरा है। तुम्हें इश्क ऐसा नहीं करना कि मियाँ वो एक आदमी ने गौर करना चाहा कितने किस्म के पागल होते हैं। उसने जब तहकीक के लिए इस पर रिसर्च के लिए उसने अस्पताल का रुख किया तो देखा एक आदमी अपना सर मर रहा है, सलाखों में, और कह रहा है लैला लैला। क्या हुआ? कह लगा इसको लैला नहीं मिली, तबादुन खो बैठा, पागल हो गया लड़का। आगे जब उसने बढ़ा तो देखा एक लड़का और है, वो भी यही कह रहा है लैला लैला। वो भी कहा सेम केस लिख दूं? का नहीं नहीं, डिफरेंट है, इसको अलग लिखो। उसको लैला नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको मिल गई है तो मिलने के बाद लैला ने इसका दिमाग खराब कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है ऐसा इश्क ना करो, मिले तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। इश्क उससे करो कि ना मिले तो वैस करनी और मिल जाए तो बिलाल हबशी। उससे मोहम्मद से इश्क करो, उसको दिल ना दो जो दिल तोड़ दे, दिल उसको। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। दिल उसको इधर देखो, दिल उसको ना दो तो दिल को तोड़ दे। उसको दिल की कैफियत क्या पता? जिसको दुपट्टे का पल्लू नहीं पता उससे तुम इश्क लड़ाने चढ़े हो। जिन्होंने लड़ाए उनके अंजाम देख लो, क्या अंजाम हुए हैं। इश्क जो है ना वो तुम्हें इसका इसे बर्बादी के लिए नहीं है। उसको दिल ना दो जो दिल तोड़ दे, दिल उसको दो जिसे अबू बकर ने दिल दिया तो सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर ने दिया तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान ने दिया सखावत का बादशाह बना दिया, अली ने दिया तो शुजात का आलमबरदार बना, हुसैन ने दिया तो शहीद आजम बना दिया, अब्दुल कादिर ने दिया गौसे आजम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। ये क्या है नौजवानों, तुम इन लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं हो, तुम हुजूर की के लिए हो, तुम हुजूर से मोहब्बत के लिए हो, हुजूर से इश्क करो। मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते नबी को याद करो। और वो गालिब वाला हमारा इश्क नहीं है, गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे इमाम ने कहा गालिब बेवकूफ है तू, तुझसे दिल लगाना ही नहीं आया, इस वजह से तुझे इश्क का पता ही नहीं। तूने कहा इश्क ने निकम्मा किया, इश्क निकम्मा नहीं करता है, बल्कि इश्क की शान तो यह है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, वाह। मोहब्बत हुजूर से करो, बेशक मोहब्बत हुजूर से करो, वाह वाह, सरकार से अपनी जी, बेशक अल्लाह से करो, उसके रसूल से। दो हस्तियां हैं, एक अल्लाह से, एक उसके रसूल से। उससे उम्मीद ना बांधो, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर शिकार हो जाओगे डिप्रेशन का, फिर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तुमने दिल गलत जगह दे दिया। ये बताओ जो हड्डी का डॉक्टर है उससे दिल का इलाज कराते हो? नहीं। तो फिर दिल का कौन जानता है? दिल को तो रखना मेरे नबी जानते हैं, जिसने कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, आलत फरमाते हैं तू जो चाहे जी तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। किससे मोहब्बत कर ली? अब तो लड़के तो ये लड़कों की बात हो गई, मैं अपनी बहनों से बात करना चाहता हूं, अपनी बेटियों से। मैं उन सारी कौमों अकवाम की लड़कियों से, अपनी बहनें मेरी वो मुझे अपनी बहन नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी दुआ किया करो ना किसी के लिए तो समझा करो अपने आप को। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का मुसलमान वो है जिसे दूसरे की बहन में बहन और बेटी में बेटी नजर आ जाए। वो निगाह का कौन है? मुसलमान। सही। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों से, फैशन में जो मतवाली हैं, दीवानी हैं फैशन की, जिनको हवा लग गई है पाकिस्तान की बदतमीज किस्म की, बेगैरत बेहुदा उन बदतमीज रक्कासाओं की, उन बेहुदा फाहिशा औरतों की जो अपने जिस्म की नुमाइश पूरी दुनिया में करती है,
मैं पाकिस्तान के उन सारे मौलवियों से गुजारिश करता हूं जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, उलमा से, उनमें वो जो अच्छे वहां उलमा है उनकी मेरी नजर में कदर है, मगर ये जो और हमारे मुल्क के बारे में बातें करते हैं इनसे कहता हूं तुम अपने मुल्क के बारे में गौर करो पहले, क्योंकि यहां कोई मुसलमान इदारा नाटक और फिल्में ड्रामे नहीं बना रहा है, सब गैर मुस्लिम बनाते हैं, मगर तुम्हारे यहां जो देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जा रही है तुम्हारे सीरियलों में, और हमारे यहां की लड़कियां तक उसमें गिरफ्तार हो गई। मैं अपनी बहनों से अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं शादियों में जो बेपर्दा रहती हैं, लोग कहते हैं इतनी लड़कियां बदल गई, हमने इतनी लड़कियां बदल दी, मुसलमानों की इतनी लड़कियां हमने अपने मजहब में ले आए, मैं कहता हूं मेरे भाइयों जरा ठीक से गौर करो, देखो उन लड़कियों को, उनको सिर्फ तुमने वहां से निकाला है, इस्लाम से तो वो बचपन से ही ऐसी थी, इस्लाम तो उनके समझ में आया ही नहीं, वरना तारीख इस बात पर गवाह है कि सुमैया पहली वो औरत है जिसको शहीद किया गया है मक्के में इस्लाम के नाम पर, जिसने पहली बार जान दी है उसका बुढ़िया सुमैया है, और उससे अबू जहल ने क्या कहा, बोल क्या कहती है, इस्लाम छोड़ती है, उसने कहा नहीं छोड़ती, उसने कहा देख मैं तुझे जान से मार दूंगा, कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर, उसने अपना बुत सामने रख के कहा तेरा खुदा चल सच्चा है मगर तू मेरे खुदा को भी कह दे, ये भी है, उसने कहा मैं इसको नहीं कह सकती, ये बुत है, बुत को मैं नहीं कहूंगी, अबू जहल ने उसके उसके जो वो नेजा मारा, उसके पेट में वो नेजा दाखिल होके उसका पेट फट गया, मगर उसने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि कोई ये न कहे इस्लाम की कोई लड़की इस्लाम छोड़ रही है, उसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा, वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान देती है मगर ईमान नहीं देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। बात क्या है, उम्दा पैगाम, वाह। देखो दो लड़कियां हैं, मेरे ध्यान से बात समझ आ रही मेरी, हमारे मुआशरे में दो लड़कियां हैं मुसलमानों में, दो टाइप की, एक टाइप तो वो है जिनसे पर्दे को फिर भी नहीं करती जी, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं हमारी सारी बेटियां बेगैरत, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी जितनी गैरत मुसलमानों में पूरी दुनिया की इस कौम में नहीं। हम वो दो 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 तरह की बात करनी चाहिए, जो दोनों बातें हैं, आंखें बंद करके बात नहीं करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहां आज भी शर्म हया है वो दुनिया किसी कौम में नहीं है। मगर एक बात कहना चाहता हूं अपने सारे भाइयों से, एक लड़की वो है जिससे लोग कह रहे हैं पर्दा करो, नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं, क्यों नहीं कर रही, नहीं कर रही, उससे कोई उस पर कोई पाबंदी भी नहीं, शादी में बेपर्दा है, बेशरम, बेगैरत है, कपड़े उसके आदि आस्तीन है, ये आदि आस्तीन, माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये जिस्म खोल के तौबा तौबा, कितना बड़ा गुना है, उलमा ने लिखा है, मुफ्तियाने कराम लिखते हैं कि अगर औरत अपनी ये कलाई खोल रही है तवज्जो करना, और उसको वजू करना है और गैर मर्द देख रहा है और उस वजू के अलावा कोई सूरत नहीं है उसके पास, अगर वजू करेगी तो उसका हाथ दिखेगा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वजू ना करे, तैमम से नमाज पढ़े, अल्लाह उसका पर्दा चाहता है। अब ये आप महसूस तो हो रहे हैं मगर अपने घरों की बेटियों को आपको चेक करना है, बहनों को चेक करना है कि किसके कपड़े कितने कैसे हैं, किसने फिटिंग के लिबास पहना है जो कि हराम है, सख्त, मर्द और औरत के कफन में फर्क यह है कि उसको पांच कपड़े इस वजह से दिए गए हैं कि उसके जिस्म की अल्लाह ज्यादा पर्दा चाहता है। एक लड़की वो है जब पर्दा करने के लिए तैयार ही, एक तो वो बेगैरत है जो हर जगह मुंह खोले हुए है, उसको पर्दे की तमीज नहीं, और एक वो है जिसके लिए पूरा मैनेजमेंट जूझ गया, उसने कहा या तो इम्तिहान दे, एग्जाम दे, या फिर अपना लिबास अपना हिजाब उतार, उसने कहा तू अपना इम्तिहान अपने पास रख, मैं तेरा कहना मानने के लिए नहीं, आमना के लाल का कहना मानने के लिए दुनिया में आई हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हबीब कॉन्फ्रेंस सैयद शबाहत मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 लड़कियां दो हैं एक पर्दा कर नहीं रही है और एक छोड़ नहीं रही है एक पर्दा क्या कहने कर नहीं रही है एक छोड़ नहीं रही है एक कौन है इसका बैकग्राउंड चेक करना है ये बैकग्राउंड का फर्क है इसकी माँ ये जब पैदा हुई इसने देखा अम्मी गाने सुनती है अब्बा भी अम्मी को फिल्म विल्म दिखाते हैं घर में वीडियो चल रहा है बड़ा सा एक बड़ा सा शैतान घर में चल रहा है उसके अंदर रक्स हो रहा है लिप लॉक हो रहा है बदतमीजियाँ हो रही हैं अम्मी वहीं बैठी हैं अब्बा वहीं बैठे हैं सारी बेगैरतों की टीम वहीं बैठी है लड़की की 10 साल उम्र हुई 11 साल उसके जज्बात में इसका एहसास होने लगा कि मेरी माँ ये क्या देखती है अम्मा को देखा उसने रोती है हीरो हीरोइन नहीं मिलते और नहीं मिल जाते हैं अम्मा खुश हो जाती है ये अम्मा का किरदार उसने देखा अब जब उसने देखा अम्मी खुशी हो जाती है मेरी उम्र भी हो गई तो वो भाग गई अब अब्बा कह रहा है मैं बर्बाद हो गया मैं बर्बाद हो गया अम्मा कह रही है उसने कह रहे आप क्या बर्बादी की बात करता है और तू क्या रोती है बदतमीज तू जितना टीवी के सामने रोई है ना अगर इतना सजदे में रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं तेरा सर पकड़ से बुलंद कर देती तूने बहुत उम्दा पैगाम हजरत बहुत उम्दा बहुत उम्दा लोग कहते थे साहब के पहले नानी देखो ये उलमा बैठे हैं पहले लोग रिश्ता करते थे तो नानी तक देखते थे क्या देखते थे क्या देखते थे नानी नानी अब नहीं देखते अब पैसा होना चाहिए नानी हो या कैसी कहानी सही बात पैसा हो बस पहले नानी देखते थे और नानी देखनी भी चाहिए तवज्जो करना मेरे इस पॉइंट पर गौर करना अल्लाह के रसूल एक तो वो बैकग्राउंड जो मैंने बता दिया भाई भी बेहया माँ भी बेहया बाप भी बेहया लड़की निकल गई ईमान तो उसका था ही नहीं उसको ईमान का एहसास कभी हुआ ही नहीं एक वो लड़की है जिसके घर में हुजूर की बेटी की बातें होती हैं उसकी माँ पर्दे वाली है जरूर से तो बोलो सुभान अल्लाह उसकी माँ सुबह को कुरान भी पढ़ती है एक शाम मुझे लेके गए अपने घर कहने लगा मेरे घर जादू हो गया है मैं कहा अच्छा मैं खाना खाने गया था उसके उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई मैं इन सब बातों से बड़ा दूर रहता हूँ मैं किसी जादूगर आदूगर को मानता आनता नहीं उस वक्त जादू आदूगर कोई है नहीं सब प्लॉट चल रहा है झूठा झूठ है फुला बजे की बात है ये हाथ की सफाई कर रहे हैं बदबख्त ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं मगर जादू हो गया मेरे घर में क्या हुआ बरकत नहीं उसकी बीवी ने मुझे कहा ये देखो फला मियाँ का तावीज़ है ये फला मियाँ का तावीज़ है इसको मैंने देखो ये उन्होंने कहा मोमजामा ये सब कपड़े में रखो मैंने सब कुछ किया मगर मेरा कुछ हुआ नहीं फिर मैं अंदर गया तो मैंने कहा ज़रा मुझे अपना कुरान बताइए कहाँ रखा है तो ऊपर कुरान रखा था मैंने कुरान उठाया उसके अंदर वल्लाह कह रहा हूँ धूल जमी हुई थी मैंने उस कुरान के ऊपर से वो धूल हटाई और उसको सीने से लगा के मैं रोने लगा उस आदमी ने कहा हजरत रोते क्यों मैंने कहा तुमने मियाओं के ताबीज़ का कितना ख्याल रखा मगर जो मेरे नबी ने तुमको कुरान दिया उसको तुमने धूल चढ़ा दी तुम बर्बाद नहीं होगे तो क्या होगे बताओ तुमने कुरान ही पढ़ना छोड़ दिया तुम्हारे घरों में कुरान छुप गया और याद रखना इस बात को इमाम गजाली ने फरमाया जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 60 कुरान ख़त्म करते थे एक रात में एक दिन में गौसुल आजम 60 कुरान ख़त्म करते थे और हम पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ फेसबुक में 3-3 घंटे टाइमिंग है उनकी मगर कुरान वो क्या समझ रहे हैं वो शातिर हैं बर्बाद हैं उनके रब ने उनको ये तौफीक तुम उनके अंदर नहीं है उनको तौबा करनी चाहिए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कुरान सुभान अल्लाह मैंने दुनिया के सारे कलाम सुने हैं अपनी बात कर रहा हूँ मगर जब मैं कुरान सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो जो मुझे लुत्फ आता है वो अलग मेरी रूह कहती है कि बेशक ये रब का कलाम है उसी परवरदिगार का जो दिखाई नहीं देता अनसीन खुदा वो कहता है ये मेरा पूरा कलाम है इसमें अगर तुमको कोई शक है ना वो कहता है इसमें कमी निकाल के दिखाओ ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह सुनो अगर कोई बंदा 100 बार भी अगर कोई 100 बार भी बंदा खता करे बंदा रहेगा अगर खुदा एक गलती कर दे फिर वो खुदा नहीं रहेगा कुरान कहता है मेरे होने पर मेरा कुरान है कि इसके अंदर कोई कमी निकाल नहीं सके बेशक बेशक वो कुरान तो कोई पढ़ नहीं रहा अच्छा देखो
नबी के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की नवासी सैयदा जैनब कुरान पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? सैयदा जैनब। कुरान पढ़ते 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 ये दूसरा वाला बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसने ये सुना है कि नबी की नवासी कुरान पढ़ रही है, कुरान वो पढ़ रही है जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम, और वो कुरान पढ़ रही है जिसके नाना पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान वो पढ़ रही है जिसकी माँ ने उसको कुरान सुना सुना के। अच्छा, बच्चों को अपने औरतों ने पागल नहीं कर दिया मोबाइल सुना सुना के, मोबाइल दे दे के एक बच्चा पागल हुआ यहाँ पर? आपको बताऊँ, ये जो औरतें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च करके बताया, ये जो औरतें अपने बच्चे के रोने पर मोबाइल इनको देती हैं, वो मोबाइल बच्चे देखते हैं, ये मोबाइल नहीं देनी है, दरअसल ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं। हाथ जोड़ता हूं अपनी बहनों बेटियों से, बर्बाद होने से अपने बच्चों को बचाओ, इनके तवाज़ुन खराब हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे, फिर कहीं के बचेंगे नहीं। अभी यहाँ केस हो गया, यहाँ पे कर्नाटका में एक बच्चा पागल हुआ, उससे किसी डॉक्टर ने पूछा ये बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है, कह लगा पबजी के अंदर है, मेरी माँ भी पबजी के अंदर है, पबजी में माँ है, पबजी में बाप है, पबजी में। अब उसकी माँ कह रही मैं तेरी माँ हूँ, नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, और कह लगे नहीं मैं तेरी माँ हूँ, उसने कहा तू मेरी माँ, मेरी माँ इसके अंदर है। 5 साल का बच्चा बर्बाद हुआ, माँ रो रही है, बाप रो रहा है, उसने कहा डॉक्टर ने ये तुमने खुद बर्बाद किया है, इसको जब तुम्हारी जरूरत थी तुमने मोबाइल दे दिया, अब जब ये बच्चा तुम्हें तुम्हारी इसको जरूरत खत्म हो गई, इसका दिमाग बेचारा कमजोर बर्बाद हो गया। ओ मेरी बहन, तूने जितना इसको जिसके हवाले किया उसके हवाले हो गया। बच्चा जब पैदा होता है बिल्कुल ही पाक साफ होता है, उसके अंदर कोई कमी उमी नहीं होती, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से। वो बच्चा जो पैदा होता है बिल्कुल ही उसके अंदर वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, और वो बिल्कुल ही बच्चा जो होता है ना बिल्कुल कोरा कागज होता है। अब उसको नेक बनाओगे तो नेक बनेगा, अगर बद बनाओगे तो बद बनेगा, उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। वो लड़की कुरान पढ़, सैयदा जैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा नीचे गिरा, जैसे ही सर से दुपट्टा नीचे गिरा सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी के सर पर दुपट्टा रख दिया। और जब रुखा 6 साल की बच्ची की, तो सैयदा जैनब कह लगी अम्मी जान आपने मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा जैनब कह लगी इस वजह से रखा मेरी जैनब कि नाना नाराज हो जाते हैं उस बच्ची से जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा जैनब ये कह के सैयदा फातिमा चली गई, मगर सैयदा जैनब चूंकि अली की बेटी है उनके दिल पे असर हुआ, रोने लगी और रोई और रोई। सैयदा फातिमा ने कहा रोती क्यों है? जैनब कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना मुझको इस बार माफ कर दें, अगली बार जैनब गर्दन तो कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। अच्छा, करबला के मैदान में जब सैयदा जैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो आपने अपने बाप अली की तरफ को मुंह करके तवज्जो की और कहा मेरे बाप अली, मैं वही ज़ैनब हूं कि जिसको मैं जब चलती थी मक्के में मदीने में और जब मैं चलती थी कूफे में, आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन के पांव के निशान भी कोई देखे। अली नहीं चाहते कि उनकी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान भी। अली के नाम पर कव्वालियां अपनी खानकाहों में करवाने वालों, अली के नाम पे खूब पैसे कमाने वालों और अपनी बेटियों की शादी में डांस डीजे कराने वालों, तुम अली के नहीं हो, नहीं तुम नहीं हो। अपने घर में अपनी बेटियों को बेपर्दा रखने वालों, तुम अली के नहीं हो। अली तो ये कहते थे हसन हुसैन जाओ जैनब के पाँव के निशान मिटाओ, अली नहीं चाहता कि फातिमा की बेटी के, अली की बेटी के कोई पाँव के निशान भी, इधर देखो पाँव के निशान भी कोई देखे। जैनब ने मौला अली की तरफ को सैयदा जैनब ने अर्ज की मेरे अब्बा मुझे माफ़ कर देना, आज मेरे सर से दुपट्टा खींचा है, मेरे सर में बाल थे, बालों से अपना चेहरा ढक लिया, मुझे माफ़ कर देना। फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा किया, नाना मैं वही जैनब हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी तो आपने मुझको अपनी गोद में लिया था और कहा था ए मेरी फातिमा देखो तेरी बेटी जैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है, आपके आंसू मेरे चेहरे पर गिरे थे ऐ मेरे नाना, मैंने वादा किया था, अब मेरा चादर खींच ली गई, मैंने अपने बालों से पर्दा कर लिया, मुझको नाना माफ़ करना, जैनब का पर्दा अब सिवाय बालों के और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। इमाम जैन अलाबदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी को 5000 किलोमीटर का सफ़र तय करते देखा और वो भी ऊँट की नंगी पीठ पर शहजादी को, दुनिया की सारी शहजादियां जैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाएं। कौन जैनब बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत, कौन जैनब आज वो जैनब ऊंट पर है। और इमाम जैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी को मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी तहज्जुद
की नमाज भी कजा हुई हो। मैंने उन्हें करबला में देखा, उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियों के टूटने की आवाजें आती हैं, और मेरी फूफी फिर भी सजदे में। मैंने कहा मेरी फूफी जान, ये कहां से सीखा, ये सजदा के बच्चों की लाशें गोद में आके पड़ गई है, मगर तेरा शुक्र और तेरा सब्र खत्म नहीं हो रहा, ये सजदा कहां से सीखा। ज़ैनब ने कहा मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन और किसी से नहीं, तेरी दादी और अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने सैयद फातिमा से सीखा है। आज के बाद जब कोई करबला बयान करे तो ये न कहे कि नवासा लाजवाब था, बल्कि यूं कहे नवासा भी लाजवाब था और नवासी भी लाजवाब थी, हुसैन लाजवाब ज़ैनब लाजवाब। कोई ये न कहे कि हुसैन ने सिर्फ सजदा बचाया है, वो ये कहे कि हुसैन ने अगर सजदा करबला में बचाया है तो ज़ैनब ने पर्दा बचाया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहदाए करबला, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अपनी बेटियों को समझाओ, बहनों को समझाओ, उनको समझाओ, मेरी बेटियों मेरी बहनों, अगर तुम अच्छा, वो कहते थे सब नानी देखो, क्या दे कहते थे बोलो, और नानी देखनी भी चाहिए। इस्लाम कहता है नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतु ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। मैं अपनी बात को आखिरी लम्हों में लेके जा रहा हूँ, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों नौजवानों और मेरी बेटियों, पर्दा कर लो। देखो जिसकी मोहब्बत करोगी कयामत के दिन उसी के साथ तुम्हारा हशर होगा। अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो। शादियों में औरतें इतना मेकअप, तो लड़कियां जिनकी शादी होती हैं पहले वो नमाज वगैरह पढ़ती थी तो औलादें नेक होती थी, अब नमाज कहाँ से पढ़े, बेचारी का मेकअप इतना महंगा है कि अगर वो उसको मुंह को धो लेगी तो फिर अपने दूल्हे के सामने कैसा, वही उसका जो ओरिजिनल मुंह है वही लेके जाएगी, तो वो ओरिजिनल मुंह नहीं वो आर्टिफिशियल मुंह लेके जाती है, रात को कुछ और होती है सुबह को कुछ और होती है, बदतमीज तेरा दिमाग ख़राब है, ये तू इसके चक्कर में पड़ गई, ये तेरा फैशन है। सुन मेरी बहन, इमाम हसन बसरी कहते हैं वो क्या मेकअप है जो दुनिया में ख़त्म हो जाए। हाँ मैं तुझे बताता हूँ मर्द और औरत दोनों के लिए नुस्खा है, अगर आप ये चाहते हो मौत का झटका भी तेरे चेहरे का नूर ख़त्म ना करे, तेरे चेहरे पे खूबसूरती रहे, तो सुन इमाम हसन बसरी कहते हैं जो 1000 मरतबा आमना के लाल पर अगर दुरूद पड़ेगा तो मौत का झटका भी उसके चेहरे की रौनक नहीं ख़त्म कर पाएगा, वो मरने के बाद भी। पैसा बहुत आ गया, लो मैं तुम्हें एक ऐसे बादशाह की बात बता रहा हूं, जब बादल का टुकड़ा देखता था ना तो वो कहता तू कहीं भी बरस मगर ये मेरी हुकूमत में बरसेगा जा। अब सूरज को निकलते देखता था तो कहता था सूरज ज्यादा गुरूर से नहीं, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत। उसका नाम क्या था? हारून रशीद। उसकी बीबी का नाम था जुबैदा। उसने 300 लड़कियां रखी थी सिर्फ कि 24 घंटे मेरे दरबार में कुरान की तिलावत होती रहे। माशाल्लाह, असद भाई हमारे कबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहे, हम लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरजमीने रहमतपुर बिहारी, हजरते असद इकबाल कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, आइए हमारी जमात के बड़े, हमारी जमात के बड़े काबिल फख्र और काबिल बाबर का शख्सियत जनाब क़िबला असद इकबाल कलकत्तवी मद्दज़ल्लाहु अलैहि तशरीफ़ रखते हैं, बस मेरे बाद उनको ही आपने सुनना है। मैं जो बात कर रहा था, आज औरतें ज़रा सा तकब्बुर नहीं करती। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हारून रशीद की बीबी। एक दिन हारून रशीद अपनी बीबी के पास गया तो उसने देखा वो उससे पर्दा कर रही है।
उसने कहा तुम मुझसे पर्दा कर रही हो, मेरी बीबी हो, मुझसे तुम एतराज इधर क्यों बैठ गई हो? तो उसने कहा हुजूर बात दूसरी है। कहा क्या? जब आगे बढ़ा तो उसके सर पे कोई रुमाल वुमाल बंधा था। कहा क्या है ये? कहा हुजूर मैंने अपने सारे बाल मुंडा दिए हैं, सारे बाल। बादशाह ने कहा ये क्यों किया? कहा हुजूर ऐसा था कि मैं आज नहाने के बाद ऊपर छत पे गई थी, बाल सुखा रही थी, मुझको खबर नहीं थी मेरे बालों पे एक गैर महरम की नजर पड़ गई, तो मैंने सोचा कि अब ये बाल मेरे शोहर के लायक तो नहीं रहे ना, तो मैंने वो बाल मुंडा दिए जिस पे गैर महरम की नजर। जब इसका इंतकाल हुआ जुबैदा खातून का, तो इसकी सहेली भी नेक, को की सहेली भी नेक होती है, उसने पूछा तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो कहने लगी अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और एक अमल पे बख्श दिया। कहा क्या? कहा मेरा अमल ये था कि मैं एक दिन खाना खा रही थी तो अल्लाह ने फरमाया एक दिन तू खाना खाते खाते तूने अपना लुकमा छोड़ के सर क्यों ढकाता जुबैदा, हालांकि अल्लाह सब जानता है। तो जुबैदा बोली ए मेरे रब्बुल आलमीन जब तेरा नाम की आवाज आई ना तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया तेरा नाम हो और मेरा सर नंगा हो, मैंने तेरे नाम के एहतराम में अपना सर ढक लिया। अल्लाह ने फरमाया तू जब दुनिया में मेरे नाम का इतना एहतराम करती है तो मेरी रहमतों को गवारा नहीं कि तुझसे हिसाब लिया जाए, जा मैं तुझे बेहिसाब। अपनी 6 साल की बच्चियों को, अपनी 8 साल की बच्चियों को खुदा के वास्ते उनसे कहो कि पर्दा करें, उनसे कहो कि हुजूर की बेटियों को, कि हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ें, अम्मी आयशा की जिंदगी को पढ़ें, सैयदा खतीजतुल कुबरा की जिंदगी को देखें, वो अपने आप को देखें कि उनको किधर जाना है। बस मैं आखिर में एक बात और कहता हूं नौजवानों, जो शुरू में कही थी, मेरे नौजवानों आपको पलटना होगा, जिस कौम का यूथ बेदार होता है वो कौम जो है वो बेदार होती है। तुमको ये मोबाइलों ने फंसा लिया, तुमको डेटा फ्री दिया गया, ये डेटा फ्री है मगर गुना फ्री नहीं है, इधर उधर उधर गए तुम बदनाम हो गए। नहीं नहीं, किसी औरत का पीछा करने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो, तुम तो अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया में आए हो। एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है अनस इब्ने मालिक, 10 साल हुजूर की नौकरी की है। सब बताओ कितने साल? 10 साल हुजूर की नौकरी की। और 10 साल के अंदर उन्होंने, उनका एक शागिर्द था उसका नाम था हारून बिन मूसा, यह बड़ा नौजवान खूबसूरत आदमी, इनका काम यह था, इनको सिखाया था इश्क रसूल हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक ने। अच्छा मुझे बताओ, जिसको हजरत आला हजरत फाजले बरेलवी की सोहबत मिल गई उसको तो देखो कोई सदर शरिया बना, बोलो बना कि नहीं बना? जिसको सोहबत मिली आला हजरत की, कोई मुफ्ती आजम बन गया तो कोई सदर शरिया बना? तो जिसको मुफ्ती आजम की सोहबत मिली उनको देखो कोई ताजु शरिया बना? तो बताओ जिसको सिहाबी की सोहबत मिली हो उसके दिल में कैसे इनकलाब आया? अनस इब्ने मालिक को हुजूर का वो सिहाबी जो 10 साल हुजूर की नौकरी में रहे, सरकार के खास नौकर, ऐसे हम सब नौकर हैं, वो मतलब नौकरी करते थे हुजूर। तो वो कहते हैं अनस इब्ने मालिक के वो जो उनका वो था गुलाम, तो वो उनका शागिर्द, उसका नाम था हारून बिन मूसा, वो बड़ा ही खूबसूरत आदमी था, और वो बकरे जो है ना वो पल्ले बनाता था, पल्ले, और पल्ले समझते हैं आप, वो पल्ले इसमें ये भरदा जाता है, तो ये बेचते थे वो शहर शहर, गली गली, करिया करिया, नगर नगर जाके आवाज़ लगा के बेचते थे। एक दिन बादशाह के दरवाजे करीब से गुजर रहे थे तो बादशाह ने आवाज़ दी, बादशाह के फौजियों ने पकड़ लिया, कहा तुम बादशाह की बीवी बुला रही है? कहा अच्छा क्या बात है? कहा हमें क्या पता तुम्हारे पल्ले खरीद रहे होंगे। वो अंदर गई, अंदर गया इनको लेके, बादशाह की बीवी बोली बाहर से बंद करके अंदर जाओ। बड़ी खूबसूरत लड़की सामने थी, हुस्न की पैकर बादशाह की बीवी, उसने कहा सुन मुझे तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने, तेरा हुस्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू मुझे भा गया है, तेरा मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब है, तुझे देखती हूं तेरी आवाज से मेरे ऊपर नशा तारी होता है, और मैंने तुझे इस वजह से बुलाया कि तू मेरे से मुंह काला कर ले। तो उसने कहा औरत तेरा दिमाग खराब है, तूने मेरा चेहरा देख लिया जिस पे तुझे हुस्न नजर आ गया, मेरे दिल में तूने मुस्तफा की मोहब्बत नहीं देखी। बोली तुझे मेरे साथ मुंह काला करना होगा। तो उसने कहा नहीं। कहा फिर मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी,
वो कर दूंगी, और अगर तू मेरे साथ मुकाला करेगा मैं तुझे इतनी दौलत दूंगी कि तू जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा सुन औरत, मैं एक दिन फेरी करता हूँ, एक दिन अल्लाह की इबादत करता हूँ, मुझे तेरी दौलत औलत की जरूरत नहीं, अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मैं शोर मचा दूंगी, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? मैं हसीन हूँ, जमील हूँ, जवान हूँ, तू भी जवान, मैं भी जवान, इस वक्त कोई नहीं देख रहा है, ये बता मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? तो वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं, पूरों पर भी नजर नहीं डाले कभी शैदा तेरा। औरत बोली मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मेरी मोहब्बत के प्रपोजल को ठुकराने वाले, अभी शोर मचाती हूँ। उसने कहा नहीं, उसने कहा देख तू भागेगा, दरवाजा तो बंद है। इसने उसका कुर्ता पकड़ा, उसने उसका कुर्ता पकड़ा, ये भागा तो कुर्ता फटा, इसने दरवाजे पे हाथ मारा, अल्लाह की कुदरत दरवाजा हाथ से खुल गया। हालांकि बाहर से बनता मगर अल्लाह जब चाहे तो कर्म करता है, दरवाजा खुला। ये एक मंजिल पे चढ़ा, दूसरी मंजिल पे चढ़ा, दरवाजे की तरफ फौजी खड़े थे, उसके पीछे फौजी भागे, ये तीसरी मंजिल पे आ गया। तीसरी मंजिल के बाद ये ऊपर से इसने देखा अब क्या करूं, कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसने कहा या अल्लाह चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं गंदा नहीं होऊंगा। उसने ऊपर से नीचे को जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, इसको अपने परों के ऊपर बिठा के फरिश्ते ने नीचे रख दिया। और जब ये नीचे रखा तो सामने हजरत एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनका चेहरा बड़ा हसीन है। उन्होंने इससे कहा तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं। आप कौन है? कहा मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, अल्लाह का नबी हूं, तुझे ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने मोहम्मद की उम्मती ने वो काम कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आखिरी बात है मेरी, और देखो मैं आपको बताऊं मौत करीब है, बड़ी नजदीक है, मैंने अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, और ये बात मुझ पर खुल गई है कि मुझको मरना है, और इस पर कोई तकरीर की जरूरत नहीं। आला हजरत का एक शेर मुझे बड़ा ही मुतासिर करता है, फरमाते हैं हाय गाफिल, हाय कहते हैं आला हजरत ने हाय कह दिया, समझने वाली बात है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ ये दो ऊपर खड़े हैं, दो नीचे कब्र के होते हैं। मैंने तकरीबन 100 के अराउंड मुर्दे नीचे उतारे होंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में, मेरी 37 साल की उम्र कंटिन्यू है। मैं जब भी सुनता हूँ मुर्दे को उतारने अंदर जाता हूँ तो अंदर दो लोग ऐसे लेते हैं और दो उसको नीचे रखते हैं, तो दो ने लिया, अच्छा वहीं भाई भी खड़ा है, नहीं कह रहा रोक लो मेरे भाई को, नहीं कोई रिश्तेदार, सब कहते हैं अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। अल्लाह कहता है ये सब तुझे मेरे हवाले कर ही देंगे, तो तू मेरे पहले ही हवाले क्यों नहीं हो रहा, तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा पहले ही। आहा, हजरत बायजीद बस्तामी के पास एक कफन चोर आके बोला अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मेरे गुनाह बहुत हैं, क्या करते हो? कहा मैं कफन चुराता था। कहा फिर? अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा मगर ये बता तौबा करने क्यों आया है, ये बता तूने कितने मुर्दे देखे होंगे? कहा 1000। तक कितनों के चेहरे तूने देखे थे कि वो किबले की तरफ थे? वो रो के बोला हुजूर इसी वजह से तो तौबा करने आया हूँ, 1000 लोगों में मैंने 2-3 लोगों के चेहरे किबले की तरफ देखे, बाकियों के मैंने मुड़े हुए चेहरे देखे थे। इमाम हजरत बायजीद रोने लगे, मुरीदों ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों है? फरमाया जीते जी जो अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करता मरने के बाद उसे कोई हक नहीं कि वो रब की तरफ मुंह करके सोए, वो जिसने जीते जी अल्लाह के सामने ना झुका हो उसको मरने के बाद भी क्या हक है। कितने मुर्दे, आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ दो को, दो ने लिया, 4 ने लिया, 5 हो गए, 5वें को अंदर रखा, पहले 2 बाहर निकले फिर 2 और बाहर निकल गए, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो 4 भी नहीं फिरते रहेंगे ये भी अंदर जाएंगे। कोई किसी की मौत पे अब तो रोता भी कोई नहीं, किसी को किसी की पड़ी भी कोई नहीं, कुछ दिनों के बाद सब दुनिया सबको भूल जाती है। जिंदगी तो क्या जिंदगी के अंदर ही भूल जाते हैं लोग, कोई अगर काम करने से बेकार हो जाए तो उसकी बीवी उसके लात मार देती है। बुरा ना मानना थोड़ी सी बात हकीकत है, सच्चाई के साथ है बंदा इंसान अल्लाह को समझता नहीं, कितनी निशानियां हैं उसके सामने। एक औरत एक आदमी के पास गई, कहने लगी मुझको जो कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा तुझ पे बड़े दिनों से
निगाह है मेरी, तू इतनी हसीना है, रात को मेरे पास आ जा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने तेरे साथ नहीं आई, बल्कि मैं तुझे इसी मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। वो चली गई, फिर आई, कहने लगी कुछ दे दे, मेरे बच्चे मुझसे चिपट के रोए हैं, एक बच्चा मेरा भूख से बेहोश हुआ पड़ा है, मैं रात को आ जाऊंगी, तुझको जो करना हुआ कर ले। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं उसने कुछ दे दिया, वो चली गई, रात को आई, और रात को आने के बाद वो रोने, वो उसके कमरे में गई, इसके कमरे में इसने हाथ लगाया। याद रखना ये कुरान का फैसला है, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं। अल्लाह फरमाता है तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। जो खराब आदमी है उसकी औरत भी उसको खराब मिलेगी, ये अलग बात है। किसी नेक आदमी की बीवी बद अखलाक हो मगर बद किरदार नहीं हो सकती, अल्लाह का फरमान है। अच्छे को अच्छी मिलेगी, बुरे को बुरी मिलेगी। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी ने एक बच्चा पाल लिया, और पाल के उसने उसको जो है वो पाला, उसके पास बच्चे नहीं थे, उसने पाल के उसको 22-23 साल का हो गया, ये चूड़ी पहनाता था, अपने घर पहुंचा, बी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, ये बता तू कौन सा गुनाह करके आया है। कहा वो बता तू क्यों ऐसा पूछती है, कहा सही बता। कहा आज जो लड़का मैंने पाला है ना 23 साल मां बन के पाला है, जिसको बेटा बना के पाला है, उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ बदतमीजी करनी चाही थी, मैंने उसको डांटा मैं तेरी मां हूं, उसने पीछे को हाथ छोड़ा और हट गया। वो आदमी सजदे में गिर के रोने लगा, उठा तो बी बोली क्या हुआ क्या हुआ, कह लगा मैं जवानी में तो बड़ी हिफाजत की, आज एक हाथ लड़की का पसंद आ गया, थोड़ी देर पकड़े रखा था, बस तूने मुझे सुनाया है तो मैं समझ गया, मैंने किसी की इज्जत पे हाथ डाला तो मेरी इज्जत पे भी हाथ डल गया। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, वो कह लगा ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी बहन को मेरी बेटी को बचा ले मेरे रब, तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं नौजवानों नहीं। वो कल रोने लगी, उसने कहा तू रोती क्यों है, तुझे पैसे दे नहीं मिले, कब पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरे बच्चे बीमार ना होते तो मैं कभी ये बुरा काम नहीं करती। का इस बीच रो क्यों रही है, का अपने अल्लाह से डर लग रहा है, सजदा करती हूँ तब भी वो देखता है, आज जिना करवा रही हूँ तब भी मुझे वो देख रहा है, मैं हरगिज़ मुँह काला ना करवाती अगर मेरे बच्चे भूखे, अब तुझे क्या पता। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से उसका दिल धुल गया, वो ऐसे बिलक के रोई या मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। उसको पैसे दे दिए उसने और ये सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी हाथ, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली, कितने गुनाह किए हैं, सो गया। सुबह के दरवाजे पे एक दर्शक हुई, कहा आप दरवाजा खोले, दरवाजा खोला, आप कौन, कहा आइए किसका घर है, कहा ये मेरा घर, क्या नाम है तुम्हारा, ये नाम है। सामने जो बुजुर्ग खड़े थे, कहा मेरा नाम मूसा है और मैं तुझको अल्लाह का सलाम पहुँचाने आया हूँ, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कह लगा मूसा किसी और घर में देखो, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूँ, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कोई नेकी की तूने, हाँ एक औरत को मैंने छोड़ दिया था। कहा फिर, कहा फिर मैं रोया था। कहा अल्लाह ने मुझसे कहा है मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब को पसंद आ गए और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। अल्लाह अकबर, इतना रो लिया करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम, कयामत के दिन एक आदमी को जहन्नम का हुक्म होगा तो उसकी आँख का एक बाल अल्लाह के सामने अर्ज करेगा, मालिक ये एक दिन रोया था तेरे खौफ से तो मैं भीग गया था, तो या तो आँख से मुझे निकाल या इसे जहन्नम में मत भेज। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और जिब्राइल कहेंगे कि ये वो बंदा है जिसकी आँख के बाल ने से बख्शवा लिया। रोया करो, रोना मेरे नबी की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है, रोना मत भूलो, अपने रब से तौबा किया करो, क्या पता कब मौत आए। सजदे में जब खड़े हुआ करो तो कांप जाया करो, और हर नमाज में आखिरी बार सजदा किया करो, कोई पता थोड़ी कौन सा सजदा आखिरी हो, तो कहा करो मालिक बड़े ही गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर देना, तेरी तरफ पलटना है मुझे, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ मगर तेरी तरफ पलट के आया हूँ। बस यही मेरी बातें थी, ख़त्म हो गई। पूछना चाहता हूँ हुजूर के नाम पर कौन कौन जान दे सकता है इस बुरी महफिल में, एक दूसरे की तरफ ना देखिएगा, मुस्कुराइए, हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं जो हुजूर के नाम पर जान दे दे, नीचे हाथ कर लें, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, बात ना करना आपस में, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं, जरा बाहर सब देख लेंगे आपको, सुन्नत आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये भी दाढ़ी आपकी छोटी है, आ जाओ, कोई मदरसे का बच्चा ना है, आओ इधर आ जाओ, आप चाचा आपकी दाढ़ी है, आप बैठिए, आप मोहब्बत में खड़े हो रहे हो, आप आ जाओ। देखो इस बात मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराने से ज़रा थोड़ा सा माहौल मेरा जो अल्लाह ने बनाया है इसको मुतासिर हो जाए। इधर आओ, अच्छी लड़की चाहिए तो दाढ़ी रखा लो शादी से पहले,
क्योंकि कोई भी खराब लड़की का टेस्ट हो जाएगा, कोई खराब लड़की दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला उसे ही पसंद आता है जिसे आमना का लाल पसंद हो। आगे आ जाओ बेटे, आ जाओ। ये नौजवान क्यों खड़े होते हैं, मेरी ज्यादातर देखता हूं नौजवान खड़े होते हैं, बुजुर्ग काफी होते हैं, इनके चेहरे पे सफेद बाल, ये पुराने गुनहगार हैं, इनको ज्यादा तकरीरों की जरूरत है, दिल ज्यादा सख्त है इनका। आ जाओ आप, आ जाओ, पुराने कई तकरीरों की जरूरत, आओ आ जाओ, आप भी आ जाओ बेटे। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे कभी, अल्लाह आपको हुजूर की शफात नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको हुजूर की शफात अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको मूजी मर्ज से महफूज फरमाए और अपने दर का मोहताज रखे। आ जाओ, कितने हो गए भाई ये सरकारे, ये तेगे अली की बरकत है माशाल्लाह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए, सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, कितने हो गए। अभी वो माएं बांझनी हुई जिन्होंने आशिक रसूल बच्चे जन्म दिए, ये है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, एक मुश्त रखना वाजिब है दाढ़ी, एक मुश्त, ठीक है, कोई और आशिक रसूल हो छोटी दाढ़ी वाला जिसे आज तक पता ना हो वो पूरी दाढ़ी कर ले, हुजूर की सुन्नत है। चलो ठीक है, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद, उलमा के दरमियान कह रहे हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आपको नसीहत करता हूँ कि कम से कम दिन में 100 बार दुरूद ज़रूर पढ़ो, 100 बार दुरूद दुरूद पढ़ो और या सलामों की एक तस्वीर हो ज़रूर पढ़ा करो, अल्लाह आपको आसानियों में रखे। बैठ जाओ, जो अपनी बहन बेटी को पर्दा कराने की आज से नियत करें, बीबियों से कहें, वो दोनों हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, मसलके आलात पे सख्ती से कायम रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे और अल्लाह ताला आप पर अपना इनाम फरमाए। मेरे एक बज गया, हाँ 1:05 हो गए, मैं आपसे तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई मेरी बात बुरी लगी हो, और आप हम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करते हैं। चलो अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बे, बात हो गई तकरीर भाई, नहीं नहीं मैं तो मैं बोल चुका, मुझे यही कहा था कि 1.25 घंटा आपको बोलना है तो मेरा टाइम हो गया, अब मुझसे आप क्या बोलवाएंगे, असद भाई आ गए नात पढ़नी है, इनकी नात शरीफ सुनिए, मैं बैठा रहूँगा यहीं पे। नहीं मैं अपने माँ बाप का असल में फर्माबरदार बच्चा हूँ, इसलिए ठीक गुफ्तगू करता हूँ, हाँ। और मेरी अम्मी मुझसे राज़ी होके दुनिया से गई हैं, तो मुझे अल्लाह की रहमतों की सारी उम्मीदों में से एक उम्मीद ये भी है कि मेरी माँ ज़रूर मुझे क़यामत के दिन कहेंगी अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, ये मैं इससे राज़ी हूँ। हुजूर ने फरमाया जिससे माँ बाप राज़ी हैं उनसे अल्लाह, मैंने लोगों को देखा है मर गए ना माँ बाप तो अब उनके मरने के बाद रोते हैं, मैं कहता हूँ जीते जी कभी अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, जो मज़ा जीते जी माँ बाप से मोहब्बत करने में, बाद में ठंडी मिट्टी से क्या रोना, उनको भी आप एहसास नहीं दिलाते कि तुम उनसे मोहब्बत किया करो, माँ बाप से माँ की दुआएं लिया करो, माँ से मोहब्बतें किया करो। ये भाई कह रहे हैं तो 5 मिनट की गुफ्तगू आप मेरी और सुन लीजिए कि माँ माँ है, माँ से बड़ा पीरो मुर्शिद नहीं हो सकता, बोलो कौन पीरो मुर्शिद, मेरी बात थोड़ा थोड़ी सख्त लग रही है मगर बात बिल्कुल ही सही है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बात है, इस बात को अगर समझना है तो फिर वो वैसे कन्नी का जिक्र करना पड़ेगा, सैयदना वैसे करनी को जिक्र किया है, सुनो वैस करनी कौन है जो 15 साल तक अपने मुल्क में पूछते रहे, जब भी कोई मक्के से आता था तो कहते थे आमना के लाल कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनकी जुल्फें कैसी हैं, वो चलते हैं तो कैसा लगता है, वो मुस्कुराते हैं तो कैसा लगता है, लोग उन्हें बताते थे, माँ बीमार थी, माँ ज़्यादा बीमार थी, पैरालिसिस था उसको और ज़्यादा दिनों तक छोड़ नहीं सकती थी, एक दिन माँ ने एक माँ से कहा ए मेरी माँ मेरी ख्वाहिश है कि नबी को देख के आऊँ, माँ ने कहा तेरा दिल बड़ा तड़पता देखती हूँ, जा चली जा मगर तुझे 8 पहर की मोहलत देती हूँ, 8 पहर के अंदर अंदर आ जाना, अब मियाँ ज़रा गौर करो 3 पहर तो मदीना
मदीने जाने में उनको खर्च हो गए, जब मदीने में पहुंचे होंगे। अच्छा, आपने जिसने मदीना देखा उससे सवाल कर रहा हूं, जिसने नहीं देखा है उससे मेरा कोई सवाल नहीं है। अगर कोई किसी से यह कहे हजरत उवैस कन्नी मदीने गए और मदीने जाने के बाद नबी पाक के दरवाजे पर पहुंचे और जाके पहुंच बोले अम्मी आयशा से, क्या हुजूर अकदस हैं, मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं? कहा नहीं नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह तशरीफ लाएंगे। आप कौन? उवैस कन्नी रोने लगे, कहने लगे मैं एक चरवाहा हूं, मेरा नाम उवैस है, मैं हुजूर को दीदार करने आया था। कहा सुबह तक रुक जाओ। कहा उससे कह दे मैं हुजूर से अर्ज करना कि मैं अपनी माँ की फरमाबरदार हूँ, अपनी माँ का इस वजह से वापस जा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई मदीने जाए और उससे कोई कहे तू गुंबदे खजरा के देखे बगैर हिंदुस्तान चला जा, ऐसा हो सकता है कि हुजूर का गुंबद देखे बाहर चला जाए, उसका कलेजा नहीं फट जाएगा? अब जो मदीने जाए नबी है, यानी एक ताबई को सिहाबी बनने में एक रात का फासला है। तवज्जो कर लो, मां की अजमत देखो, एक ताबई को सिहाबी बनने में एक रात का फासला था। अगर चाहते तो रात रुक के हुजूर का दीदार कर लेते और सिहाबी बन जाते, मगर वो कौन से पल उठकर तो आ गए हैं तेरी बज्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। वो आ तो गए, हजरत उवैस करनी वापस आ गए। हुजूर ने जब सुबह अपने घर पहुंचे, सरकार ने किसी से नहीं पूछा, किसी ने नहीं बताया हुजूर को, हुजूर ने खुद फरमाया क्या कोई आया था? किसी की खुशबू महसूस हो रही है मुझे, खुशबू महसूस हो रही। अम्मी आयशा बोली या रसूलल्लाह आया था एक चरवाहा, उवैस नाम बताता था। हुजूर ने मस्जिद नबी का मिंबर संभाला, फरमाया कहाँ गए? अबू बकर यहाँ आओ, उस्मान यहाँ आओ, अली यहाँ आओ, ऐ अली यहाँ आओ, उमर यहाँ आओ, उस्मान यहाँ आओ। हुजूर ने फरमाया देखो कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में ऐसे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, मगर जब वो अल्लाह के नाम पे कसम उठाएं तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी करता है। मौलाना जावेद अख्तर साहब कुल्ला तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह हज़रत के आने पर मैं इस्तकबाल करता हूँ हज़रत का तहे दिल से। और मेरी बात जो आखिरी चल रही थी वो यही है, मैंने तो ख़त्म ही कर दी थी मगर आप लोगों की ये बात थी, मैं अर्ज़ कर रहा। अच्छा बोलो, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने, तवज्जो करना, हुजूर ने फरमाया मेरा एक आशिक है उसका नाम उवैस करनी है। क्या नाम है बोलो? पूरी दुनिया कहती है मैं आशिक हूं। भाई जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे राजी ना हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अरे जिसको जो हुजूर को पसंद आए वही तो हुजूर। फरमाया मेरा एक आशिक है उसका नाम उवैस करनी है, और वो अपनी माँ की वजह से मेरे पास नहीं आया, मगर कयामत के दिन दुनिया उसका मर्तबा देखेगी कि अल्लाह उसको 1000 फरिश्तों के साथ जन्नत में दाखिल। माँ से एहतराम की बातें किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, ये जीते जी है तो उसके हाथ चूमा करो, इससे मोहब्बत किया करो। किसी पीर साहब के हाथ चूमने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना माँ के हाथ चूमने में मज़ा आएगा, किसी हजरत के हाथ चूमने में इतना लुत्फ नहीं आएगा जितना बाप के हाथ चूमने में मज़ा। और मुझे कोई ये गारंटी नहीं कि 10,000 रुपये दे के किसी मियाँ की दुआ आपके लगेगी, मुझे खबर ही नहीं कौन से मियाँ की कबूल होती कौन सी नहीं होती। मैं ना मुनकर हूँ ना मैं ये कह सकता हूँ इन वालों की कबूल हो जाएगी, मैंने काफ़ी मियाँ लोगों को देख चुका हूँ, कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। मैं किसी मियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ और उनको अपना दुश्मन मैं कुछ को बना चुका हूँ, कुछ और को नहीं बनाना चाहता, मगर एक बात और कह रहा हूँ मेरे भाइयों, याद रखो किसी मियाँ की दुआ कबूल होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर माँ बाप की दुआ कबूल होगी। मेरे नबी ने फरमाया गारंटी यह है कि जैसे नबी की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी अपने बच्चों के हक में। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मेरे साथ इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह फिर कभी माँ बाप के ऊपर बयान होगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह, नमाज की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, पढ़ो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन वा तुब्ले, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, والسابقون السابقون اولئك المقربون صدق الله العظيم وما لنا الا البلاغ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। आप लोग बैठे रहे, अभी असद भाई ने पढ़ना है, मैंने भी सुनना है, आपने भी सुनना है, हजरत की तकरीर भी होनी है, बड़ी माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।